by the movie Kashmir Files that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section. कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है, क्या ये प्रोपेगंडा और अश्लील बात है? कश्मीर फाइल आल्यानंतर कश्मीरात सगळ्यात जास्त पंडितांचं किलिंग्स झाले। द कश्मीर फाइल्स या हिंदी चित्रपटाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे। नुकताच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा समारोप सोहळा पार पडला। या दरम्यान इफ्फी ज्युरीचे प्रमुख नदाव लॅपिड यांनी हा चित्रपट प्रोपोगंडा वल्गर आहे, जो की स्पर्धात्मक विभागासाठी देखील अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. नदाव लॅपिड यांच्या प्रतिक्रियेवर आता विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटताना दिसतात। शिवसेना नेते व राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे। हा वल्गर यासाठी म्हटलाय की तो एका पक्षाचाच प्रचार दिसतोय आणि एका पक्षाविरुद्ध प्रचार दिसतोय, स्पष्ट। कश्मीर फाईल आल्यानंतर, तो चित्रपट आल्यानंतर त्याचा ज्या प्रकारे एका राजकीय पक्षानं गाजावाजा केला, प्रचार केला, त्यानंतर कश्मीरात सगळ्यात जास्त पंडितांचं किलिंग्स झालेलं आहे। राऊत यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करून या चित्रपटावर सडकून टीका केली आहे। तर दुसरीकडे प्रसिद्ध अभिनेते अनुपम खेर यांनी मात्र लॅपिड यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे रंगीन खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए, और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे हैं। जो सच भयावह है और जो सच भद्दा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मीच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। द कश्मीर फाइल चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी सत्य ही सर्वात धोकादायक गोष्ट आहे, लोकांना खोटं बोलण्यासाठी देखील भाग पाडलं जाऊ शकतं, असं ट्विट करीत नवाद यांना प्रतिउत्तर दिले। कल इफ्फी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया, और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले, जब मैंने रिसर्च चालू किया था, तब से इस फिल्म को प्रोपेगंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद यह फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं, उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है, क्या ये प्रोपेगंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है, क्या ये प्रोपेगंडा और अश्लील बात है? इस्राइल से भारतातील राजदूत नाओर गिलॉन यांनी एक ट्वीट मार्फत तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे अशा शब्दात लॅपिड यांना सुनावलं आहे। द कश्मीर फाइल्स हा चित्रपट मार्च महिन्यात रिलीज झाला होता।
काश्मीरमध्ये झालेल्या काश्मीरी पंडितांच्या पलायन व हत्यांवर हा चित्रपट आधारित आहे. या चित्रपटावरून पुन्हा सुरू झालेल्या वादाविषयी आपल्याला काय वाटतं हे व्हिडिओच्या खालील कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य लिहा. आणि यूट्यूब व फेसबुकवर जिथं आपण हा व्हिडिओ पाहत असाल तिथं फॉर द पीपल न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक व फॉलो जरूर करा.